हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं आपके सामने फिजिक्स एमसीक्यूज लेके आई हूँ। ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनका पीडीएफ है। मैं जल्दी आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। रेनबो इज ड्यू टू, रेनबो कैसे बनता है? ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन मिनट वाटर ड्रॉपलेट्स, डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर डिपॉजिट, या रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इसका आंसर है डी, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तनांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑयल इन द विक ऑफ लिम्फ राइसेस अप ड्यू टू। तो इसका ऑप्शन है सी, कैपिलरी एक्शन यानी केशकत्व प्रभाव। फूड इज कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर क्विकली बिकॉज, प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी बन जाता है, क्यों? क्यों? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 12, अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग आइस शोज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन आउटर सरफेस बिकॉज, जब हम जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम फ्रिज से कोई भी वाटर निकाले तो उसके बाहर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमको दिखती हैं, यानी जलवाष्प की बूंदें दिखती हैं, वो क्यों दिखती हैं? ड्यू टू द आउटर सर्फेस ऑफ टम्बलर शोज हाइग्रोस्कोपिक इफेक्ट, मॉइस्चराइजर इन एयर कमिंग कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सर्फेस एंड ट्रम्बलर कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, वाटर फ्रॉम इनसाइड ओज आउटसाइड थ्रू मिनट पोर्स वॉल ऑफ द ट्रम्बलर। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी। द स्काई अपीयर ब्लू, जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है? इट इज़ एक्चुअली ब्लू, द एटमोसफेयर स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन अदर। क्यों ब्लू दिखता है? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करता है, यानी प्रकीर्णन जो हमारा ब्लू रेज का होता है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से हमें पूरा आकाश नीले कलर का दिखता है। अ थिक ग्लास टम्बलर क्रैक्स मोर इजिली देन अ थिन वन व्हेन हॉट वाटर इज पोर्ड इनटू इट, व्हाई? क्यों? क्योंकि थिक ग्लास इज मोर बिटर देन थिन ग्लास, थिक ग्लास इज इंफीरियर क्वालिटी, इनर सर्फेस ऑफ टम्बलर एक्सपेंड मोर देन इट्स आउटर सर्फेस। ऑप्शन नंबर सी, लेट अ थिन कैपिलरी ट्यूब मे बी ट्यूब बी रिप्लेस्ड विद अनदर ट्यूब ऑफ इनसफिशियंट लेंथ देन वॉट वाटर। अगर जो थिन कैपिलरी ट्यूब ली जाएगी इन द प्लेस ऑफ अनदर ट्यूब इनसफिशियंट लेंथ होगी जिसकी, तो क्या होगा? जो वाटर होगा विल ओवरफ्लो। तो वाटर क्या होगा? विल नॉट बी राइस, तो वाटर इंक्रीज नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, जो रेक्टिफायर्स होते हैं आर यूज इन कन्वर्ट यूज टू कन्वर्ट, रेक्टिफायर क्या करते हैं? डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट करंट टू डायरेक्ट करंट, एसी को डीसी में, डीसी के एसी में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को, या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। तो ये क्या करता है? हमारे जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट इज मिनिमम मैक्सिमम जीरो मिनिमम। तो ऑप्शन नंबर सी, जीरो होता है, जो बार मैग्नेट होता है ऐसे करके, ये बार मैग्नेट होता है ना ऐसे, ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, ये होता है हमारा साउथ पोल। तो इसके जो बीच में जो हमारा मैग्नेटिज्म होता है वो हमारा ज़ीरो होता है, ठीक है, ज़ीरो होता है, साइड में इफेक्ट होता है। और एक और चीज़, जैसे ये है बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो जो नॉर्थ साउथ होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और साउथ नॉर्थ होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ और अगर ये जो इसका साउथ है ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। पॉइंट इज एट लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देन द पॉइंट बी, एंड इलेक्ट्रॉन बिटवीन दैम ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दैम विल मूव टूवर्ड्स बी, मूव एट राइट एंगल टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, रिमेन एट रेस्ट। तो इसका ऑप्शन होगा बी, मूव टूवर्ड बी। क्वेश्चन
Question number 19. It takes much longer to cook food in hills than the plains because ये most important question है. क्यों? In the hills, the atmospheric pressure is low than that in the plains. Therefore, water boils at a temperature lower than 100 degree, causing an increase in cooking time due to low. Option number B. Due to low atmospheric pressure on the hills, the water boils at the temperature higher than 100 degree. और इसके बाद है जो atmospheric density है. Is low and therefore lot of heat lost the atmosphere. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि इन द हिल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर देन दैट इन द प्लेन देयरफॉर वाटर बॉल्स एट टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री. तो यहाँ पे जो जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है प्लेन से यानी समतल इलाकों से. देयरफॉर वाटर बॉल्स एट द टेम्परेचर लोअर देन द 100 डिग्री. फिर है ऑयल राइज अप द विक इन अ लैम्प. द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स कैपिलरी एक्शन फिनोमिना. कैपिलरी यानी केशकत्व. इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अ पॉइंट इज डैश इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेस. तो इसका ऑप्शन होगा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर. जो ध्वनि की जो तीव्रता है एट अ पॉइंट इज डैश इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेस. सोर्सेस से कितने डिस्टेंस पे होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स सोर्सेस. फिर आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन ऑफ डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन. तो किसमें नहीं होता है ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टैंड फॉर यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स. तो जो इनर्शिया होता है वो होता है जड़त्व का प्रभाव. मोमेंट ऑफ फोर्स यानी बल का प्रभाव. फिर है ऑन अ स्टेशनरी सेल बोट एयर इज ब्लोन फ्रॉम द फैन अटैच्ड टू द बोट. द बोट इज मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच एयर इज ब्लोन. डजेंट मूव. मूव इन द सेम डायरेक्शन इन विच एयर ब्लोस. स्पिन्स अराउंड. तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो होगी डजेंट मूव. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन. जो आइसोटोप्स होते हैं वो एलिमेंट के क्या कंटेन करते हैं. इन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आइसोटोप्स कंटेन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग हीट एंगुलर मोमेंटम टाइम. तो इसका ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम. वेक्टर क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन और स्केलर क्वांटिटी विच डोंट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. जो वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी वेग नहीं वे जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन होता है और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है. थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें. कल मैं नाउन का ही एक लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें पूरा नाउन एक्सप्लेन होगा जो कि हिंदी में ही होगा और नोट्स इंग्लिश में होंगे. थैंक यू.